जंतर मंतर और लगातार यहाँ पर जो उदयपुर में जो घटना हुई है जिसको आतंकी घटना घोषित कर दिया गया है। लगातार जो अब तस्वीरें देखी होंगी आपने किस तरीके से गला रेत कर कन्हैया लाल की जो है हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर उसी के चलते बजरंग दल जो है मौजूद है यहाँ पर लगातार उसी की जो है मांग करते हुए डिमांड करते हुए ये लोग पहुँचे हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है और उसी के तहत जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर उनके ऊपर जो है मुकदमा और शिकंजा कस दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बजरंग दल वाले आते हैं और लगातार नारे लगाते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सामने आप सीधी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से कितनी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं बजरंग दल के। और यहाँ पर जो है संतरी भगवाधारी झंडा आपको सामने दिख जाएगा किस तरीके से एक बजरंग की जो फोटो है वो लगाकर यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है। और वहीं यहाँ पर सारी पुलिस टुकड़ी भी मौजूद है और दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर CRPF भी मौजूद है। लेकिन आप सामने तस्वीरें देखिए और जो नारे लगा रहे हैं देश के गद्दारों को आप सामने देख सकते हैं, उनकी उम्र तय कर सकते हैं कितने उम्र के वो लोग हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देश में इसी तरीके से लोगों को भरा जाता है किस तरीके से इस उम्र के आप छात्रों को देख सकते हैं, छात्र वाली उम्र है इनकी, लगभग 17 से 18 साल के ये जो इसमें मौजूद है देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश बोला जा रहा है। क्या ये तथा कथित बयान देने वाले इन पे UAPA जैसी धाराएं लगेंगी? क्या देश में ऐसी जो बात करते हैं, ऐसी जो तथा कथित जो नारे लगाते हैं क्या उन पर शिकंजा कसा जाएगा? लगातार जो गोदी मीडिया लगातार आपको खबरें दिखाती है किस तरीके से नारेबाजी होती है, ये सामने आप देख सकते हैं बजरंग दल के लोग किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, सामने तस्वीरें हैं आपके सामने। मगर ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन हम उसकी भी जो उदयपुर में घटना हुई उसकी भी भर्त्सना करते हैं कि किस तरीके से आतंकी घटना के तहत जो है उसका मर्डर कर दिया गया, सामने वीडियो बनाकर उसका गला रेता गया। इसी के चलते जो है सारे मुस्लिम संगठन भी जो है उसको जो भर्त्सना करते हैं कि इस तरीके की घटना करने वाले लोग जो है इंसान नहीं हो सकते। लेकिन आप सामने यहाँ तस्वीरें देखिए किस तरीके से जंतर मंतर पर बजरंग दल जो है यहाँ पर मौजूद है, सारे जो बाबा लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये देखिए सामने आप तस्वीरें देखिए और नारे सुनिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए जो मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान हो जाती है, क्या ये वही है, वही लोग हैं? क्या इन लोगों की इन वस्त्रों से कपड़ों से पहचान होगी? आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है लगातार। क्या PM मोदी जी जो कि वस्त्रों से कपड़ों से पहचान कर लेते हैं, क्या इनकी पहचान होगी? सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें और किस तरीके से नारे लग रहे हैं लगातार गोली मारने के। क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? क्या न्यायालय इसी तरीके से चुप्पी लगाकर बैठा हुआ देखता रहेगा? क्या न्यायालय अब ध्वस्त होता जा रहा है? क्या संविधान जो है कुछ रह नहीं गया है इन लोगों के लिए, या कानून प्रक्रिया या कानून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के सामने इस तरीके के नारे लग रहे हैं और इस तरीके के नारों को हवा दी जा रही है। क्या इन सब के बावजूद क्या ऐसा नहीं होता है कि क्या इसके बाद जो है इस तरीके से जो नारे लग रहे हैं उसके बाद कुछ ऐसी घटना को फिर से अंजाम दिया जाएगा, या लोगों में इस तरीके से कुछ भी भावनाएं आएंगी, या लोगों की फिर से भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या ये वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं? यहाँ पर जंतर मंतर पर आप सीधे सीधे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और किस तरीके से लोग जो है समर्थन नहीं कहेंगे उसके लिए यहाँ पर करने आए हैं प्रोटेस्ट। जो उदयपुर में घटना हुई है उसकी लोग भर्त्सना कर रहे हैं लगातार, जो मुस्लिम लोग भी हैं उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। मगर अरेस्टिंग 24 घंटे के अंदर हो गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जो है सजा भी दी जाएगी, UAPA जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं उनके ऊपर अब जो है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर बवाल कट रहा है, आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली जंतर मंतर।